हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स ट्रेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे असिस्टेंट परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में और जानेंगे डिटेल में। तो अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स ट्रेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोज को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के जो वीडियोज हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरी वीडियोज में सुपर थैंक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप उसके थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे चैनल के मेंबर बनकर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो ये जो नोटिफिकेशन है, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंत नगर उधम सिंह नगर से उत्तराखंड से रिलीज किया गया है। तो यहाँ पे आपको प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आपको असिस्टेंट लाइब्रेरियन और असिस्टेंट डायरेक्टर की भी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे डिफरेंट कॉलेजेस है, जैसे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ फिशरीज, तो इन सभी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए प्रोफेसर की 75 वैकेंसीज हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की 99 वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 79 वैकेंसीज हैं। तो टोटल यहाँ पे आपको काफी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है वो क्लियरली मेंशन कर रखा है, तो आप ये गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फी है वो 1500 है फॉर अनरिजर्व और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। वहीं 1000 है फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है यानी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और 750 रुपीज है एससी एंड एसटी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो पेमेंट रहेगा वो आपका यूनिवर्सिटी कैश रिसिप्ट और डिमांड ड्राफ्ट की बेस पे रहेगा, तो इन फेवर ऑफ कंट्रोलर जेबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पेएबल एट पंत नगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच कोड नंबर 1133, पंजाब नेशनल बैंक, ब्रांच कोड। तो ये सारा यहाँ पे डिटेल मेंशन कर रखा, तो इस फेवर में आपको डीडी बनवाना है। और जो लेटेस्ट आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और आपका डीडी जो है वो पहुंचना है बाई 15 जुलाई 2024, ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट डेट आपका 15 जुलाई है, और आपका जो एप्लीकेशन और अदर जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, वो सब आपका रीच होने का लास्ट डेट 30 जुलाई 2024 है, इन केस एडवांस कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इज रिसीव्ड ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे लास्ट डेट अप्लाई करने का, ऑनलाइन अप्लाई करने का 15 जुलाई है, और रिसीव करने का हार्ड कॉपी वो 30 जुलाई 2024 है। तो पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एकेडमिक लेवल 10 का पे स्केल दिया जाएगा विद 57,700, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपको 13A का पे ग्रेड दिया जाएगा 1,31,400, और प्रोफेसर का आपको एकेडमिक लेवल 14 का दिया जाएगा सीपीसी, और यहाँ पे जो एनटी पे लेवल आएगा वो आपका 1,44,200 आएगा। वही असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आपको 57,700 और असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 57,700। बाकी जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स रहेंगे वो एज पर स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही रहेंगे। तो यहाँ पे जो नेम ऑफ पोस्ट आप देख लेते हैं, जैसे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे प्रोफेसर प्लांट पैथोलॉजी में आपका जो है वैकेंसीज देखने को मिलेगा, 1 वैकेंसी अनरिजर्व में। तो ऐसा यहाँ पे टोटल जो आपको 8 वैकेंसी देखने को मिलेगा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफेसर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 1 वैकेंसी, प्रोफेसर जेनेटिक्स से प्लांट ब्रीडिंग में आपका 2 वैकेंसी रहेगा अनरिजर्व का। तो ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस में भी आपको यहाँ पे डिफरेंट वैकेंसीज देखने को मिलेगा डिफरेंट सब्जेक्ट में, जैसे प्रोफेसर फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, एसोसिएट प्रोफेसर टेक्सटाइल्स एंड अपैरल डिजाइनिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे आपको पूरा इस टाइप से यहाँ पे जो वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी क्लियरली मेंशन कर रखा है कि ईडब्ल्यूएस में कितना वैकेंसी है, एससी में कितना, एसटी में कितना, ओबीसी में कितना है, तो उसकी बेस पे अभी भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करने पे आप जिस भी सब्जेक्ट में आप एलिजिबल हैं आप उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज में आपको प्रोफेसर का माइक्रोबायोलॉजी में अनरिजर्व में 1 वैकेंसी देखने को मिलेगा, प्रोफेसर प्लांट फिजियोलॉजी में 1 वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो ऐसे करके आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में आपको डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट वैकेंसी जो है वो आपको यहाँ पे क्लियरली जो है मेंशन कर रखा है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में भी आपको प्रोफेसर का वैकेंसी फॉर एग्जाम्पल पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग में, प्रोफेसर का वैकेंसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर यूआर में, प्रोफेसर का वैकेंसी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में, ऐसे एसोसिएट प्रोफेसर का
इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग में, असिस्टेंट प्रोफेसर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो इस टाइप से आपने हमें वैकेंसी जो है क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो आप अपने पीएचडी जिसमें भी आपका हो या मास्टर आपका जिस रेलेवेंट सब्जेक्ट में हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कॉलेजेस ऑफ फिशरी साइंस में भी ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का। ऐसे कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में भी आपको देखने को मिलेगा। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का भी पोजीशन है, जैसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन का, असिस्टेंट डायरेक्टर का फिजिकल एजुकेशन का, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बैकलॉग वैकेंसी भी है एससी एसटी ओबीसी पोजीशंस के लिए और अदर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो ये भी आप देख सकते हैं कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में कौन सा वैकेंसीज है, ऐसे कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस में किस चीज़ का वैकेंसी, किस कैटेगरी में या किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या क्या डिजिग्नेशन है, वो सारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसे कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस में भी देखने को मिलेगा, ऐसे कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा वैकेंसी यहाँ पे रिलीज किया गया है। तो अगर आपका एग्रीकल्चर में आपका पीएचडी या मास्टर डिग्री है, तो ये आपका बम्पर न्यूज है, मेगा रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे आप इसके लिए जरूर ही अप्लाई करिएगा। ठीक है, वैसे आपका बेसिक साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं आपका एलिजिबिलिटी मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमें बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको ये ब्रॉशर का अच्छे से पढ़ना है, साथ ही साथ आपको जो डिटेल दे रखा है पोस्ट का या आपका क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस या फी, वो सब भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट फिल करना है, प्रिंट आउट लेना, उसके बाद जो भी आपका एसेंशियल एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आपको रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको सेंड करना है चीफ पर्सनल ऑफिसर रिक्रूटमेंट सेक्शन जीबीपीयू एनटी पंतनगर उधम सिंह नगर उत्तराखंड ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट, जो कि 30 जुलाई से पहले आपको सेंड करना है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप मोर देन वन पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और सेपरेट आपको फीस भी यहाँ पे जो है वो फिलअप करना है। बाकी डीडी मस्ट है, वो आपको सेंड ही करना है, जो भी इन्होंने मेंशन कर रखा है किसके फेवर में बनाना है। इसके बाद आपको अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो भी आपको अटैच करना है, ट्रांसक्रिप्ट या सर्टिफिकेट, डिग्री, वो सब आपको यहाँ पे अटैच करना है। इसके अलावा यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखा है, फॉर एग्जांपल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के लिए अगर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो पीएचडी आपका होना चाहिए, आपका कंसर्न इज रिलेवेंट सब्जेक्ट में, 10 ईयर्स का आपका टीचिंग रिसर्च या एक्सटेंशन होना चाहिए या इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए, आउट ऑफ विच 3 ईयर्स शुड बी एज असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर। डिजायरेबल में अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग है या एडमिनिस्ट्रेटिव या रिसर्च एक्सटेंशन मैनेजमेंट एक्टिविटीज है, तो आपको यह प्रेफरेंस दिया जाएगा। एसोसिएट प्रोफेसर में आपका पीएचडी होना चाहिए आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट में, मास्टर डिग्री होना चाहिए कंसर्ड या रेलेवेंट सब्जेक्ट में, और आपका 8 ईयर्स का टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, आउट ऑफ विच 5 ईयर्स शुड बी एज असिस्टेंट प्रोफेसर और इक्विवेलेंट। डिजायरेबल में अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग है या रिसर्च एक्टिविटीज है एज इंडिविजुअल पब्लिकेशंस, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका पीएचडी होना चाहिए कंसर्ड या रेलेवेंट सब्जेक्ट में, मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका कंसर्ड डिसिप्लिन में विद 60% मार्क्स। वहीं अगर आपका नेट या सिलेक्ट पार्टिकुलर लाइक रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट में आपका क्वालिफाई किया होना चाहिए, दैट इज मस्ट। इसके अलावा अगर आपका 2009 से पहले रजिस्ट्रेशन है पीएचडी का, आपने उससे पहले कंप्लीट किया है, तो यहाँ पे आपका कुछ रूल्स है जो कि मैंने ऑलरेडी अपने पहले वीडियो में बताया है, तो वो सारे अगर रूल्स को फॉलो करते हैं तब अब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये सारा यहाँ पे डिटेल जो है देखने को मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या एसेंशियल एलिजिबिलिटी है, क्या क्या डिजायरेबल एलिजिबिलिटी, वो सारा यहाँ क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो आप ये सारा चीजें जो है भर के लाइक पढ़ के आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एनेक्जर वन आपको देखने को मिलेगा, तो एनेक्जर वन ये यहाँ पे है, तो आपको ये फिलअप करना है। ठीक है, तो ये सारा आपको फिलअप करना है और आपके जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो सब आपको अटैच करना है, और डीडी मस्ट है आपका, फी पेमेंट प्रूफ आपको लगाना है, तभी आपका एप्लीकेशन जो है कम्प्लीट माना जाएगा। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इस टाइप के जो वीडियोज है वो रेगुलरली आपको मिलते रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।